ओ करम खुदाया है मुझ तुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी है मैं जर्द सितारा। वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, वो करम खुदाया है मुझे तुझसे मिलाया है, तुझ पे ही मर के ही मुझे जीना आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका फुगली लाइव ट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। और हर कोई एग्जाम इस प्रोसीजर का मोहताज है, हर किसी एग्जाम में इस प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन करना ही होता है, और बहुत ही वैल्यूएबल प्रोसीजर है। तो आइए दोस्तों, तो देखिएगा, हम सीखते हैं ये प्रोसीजर, राइट। बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आपको ये एग्जाम के अंदर देगा फ्रेंड्स, काफी महत्वपूर्ण है। गुड मॉर्निंग यू ऑल, लव यू डियर माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सब कैसे हैं? पढ़ाई तो प्रॉपर चल रही होगी। अब आपके शॉर्ट वीडियोस भी आने लग गए, शॉर्ट वीडियोस जो आते हैं उसमें ऐसे टॉपिक हम कवर करेंगे फ्रेंड्स जो छोटे छोटे हैं, जिसके लिए बड़ा लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, और जो छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं। जैसे रात को एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, तो वो जैसे किस पे था, अफगार स्कोरिंग पे। तो अब 5-5, 6-6 मिनट के छोटे छोटे वीडियोज भी आपके आना शुरू होंगे। उन वीडियोस से आपके जो एक्स्ट्रा कुछ स्किल्स से रिलेटेड और काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे, और जो मेजर क्लासेस है वो हम यहाँ कर रहे हैं, और वो शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से भी आपको और बूस्टर करेंगे। यानी कि ओवरऑल आपके पास बहुत सारा वर्क है, हर तरह से आपको बूस्टर किया जाएगा, हर तरह से छोटे 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 टॉपिक्स को भी कवर करेंगे और मेजर प्रोसीजर्स को भी सीखेंगे। क्लियर है दोस्तों? बोलो भाई। तो चलिएगा, शुरू करते हैं लेक्चर को। आज दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं एनजी ट्यूब इंसर्शन की, एनजी ट्यूब किस तरह से इंसर्शन किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। तो टॉपिक है हमारा इंसर्शन ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहली बात हम प्रोसीजर की शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या कहता है? इंसर्शन ऑफ ए स्मॉल बोर ट्यूब टू द स्टॉमक, स्मॉल बोर ट्यूब टू द स्टॉमक थ्रू द नेसोफेरिंक्स। दोस्तों नेसोफेरिंक्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। किससे? नेसोफेरिंक्स का। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, इस तरह से हम जानते हैं, ये फेरिंग्स का नेसोफेरिंक्स है और ये ओरोफेरिंक्स है, और यहां से मिलकर के फिर ये जहां लेरिंग से जाके मिलता है ये हो जाता है लेरिंजोफेरिंक्स। क्लियर है गाइस? तो जो ट्यूब का इंसर्शन होगा वो कहाँ से होगा? नोज से होते हुए और नेसोफेरिंग्स के, फेरिंग्स के कौन से पार्ट में से हम इंसर्ट करेंगे? नेजल वाले पार्ट से। तो नेसोफेरिंग्स से होकर के और ट्यूब को स्टोमक तक पहुंचाया जाता है। कहाँ तक? स्टोमक तक पहुंचाया जाता है। और ये जो ट्यूब होता है ये स्मॉल बोर ट्यूब होता है, इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसको हम कहते हैं बोर। क्या कहते हैं? बोर। तो जस्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नेसोगैस्ट्रिक इंसर्शन? इंसर्शन ऑफ अ स्मॉल बोर ट्यूब टू द स्टोमक थ्रू द नेसोफेरिंक्स, दैट इज द राइट डेफिनेशन अबाउट द एनजी ट्यूब प्लेसमेंट। क्लियर है गाइस? बोलो भाई। अरे भाई बोलो, बात समझ गए ना? देन पर्पस क्या क्या हो सकते हैं, आइए जान लेते हैं। एनजी ट्यूब कौन कौन से पेशेंट्स को, कौन कौन से क्लाइंट्स को प्लेस करने की आवश्यकता होती है, तो हम पर्पस के माध्यम से जानेंगे दोस्तों कि किस किस पेशेंट को हम एनजी ट्यूब लगाएंगे। तो सबसे पहला एनजी ट्यूब लगाया जा सकता है दोस्तों डीकम्प्रेशन ऑफ द स्टोमक। यदि स्टोमक में एक्सेसिव गैस का कलेक्शन हो गया है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, तो स्टोमक को डीकम्प्रेस करने के पर्पस से भी एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट किया जाता है। और इसमें टू रिमूव द फ्लूड और गैस, इसके माध्यम से
हम स्टोमक में भरे हुए कलेक्ट हो रहे एक्स्ट्रा फ्लूड को भी बाहर निकाल सकते हैं और स्टोमक के अंदर से गैस को भी बाहर निकाला जा सकता है। बोलो भाई कैसे हैं आप लोग। टू प्रिवेंट और रिलीव नोजिया एंड वॉमिटिंग आफ्टर द सर्जरी और ट्रॉमेटिक इवेंट बाय डीकंप्रेशन द स्टोमक। दोस्तों कोई भी सर्जरी के बाद या कोई ट्रॉमा हो जाए उसके बाद पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है, तो नोजिया वॉमिटिंग से निजात पाने के लिए भी हम एनजी ट्यूब प्लेसमेंट करते हैं। तो पहला हमारा जो पर्पस होता है एनजी ट्यूब प्लेसमेंट में वो होता है ओवरऑल स्टोमक का डीकम्प्रेशन। अब डीकम्प्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो स्टोमक में से कलेक्टेड एक्स्ट्रा फ्लूड को भी हम रिमूव कर सकते हैं और या फिर स्टोमक में एक्सेसिव गैस का एक्युमुलेशन हो रहा है तो उसको भी हम बाहर रिमूव कर सकते हैं और इससे स्टोमक का डीकम्प्रेशन हो जाता है। तो इसमें जो हमें इक्विपमेंट काम में आया है, जो इंस्ट्रूमेंट काम में आया है वो है दोस्तों नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। और या फिर कोई भी सर्जरी होती है या फिर पेशेंट को ट्रॉमा हो जाता है, तो ट्रॉमा या सर्जरी के बाद नोजिया वॉमिटिंग होना काफी कॉमन बात है। तो नोजिया वॉमिटिंग कहीं एस्पायरेट ना हो जाए इसी पर्पस को ध्यान में रख करके और हमें कोई भी ट्रॉमा और कोई भी सर्जरी के बाद ही हमें एनजी ट्यूब लगा देना चाहिए ताकि पेशेंट को फ्लूड का एस्पायरेट ना हो जाए। नंबर थ्री बात करते हैं फ्रेंड्स, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द प्रेशर और मोटर एक्टिविटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट यानी डायग्नोस्टिक पर्पस के माध्यम से। दोस्तों जीआई ट्रैक्ट में कितना प्रेशर है इसको मेजर करने के लिए भी एनजी ट्यूब का ही यूज किया जाता है। तो जीआई ट्रैक्ट के प्रेशर को मेजर करने के लिए डिटेक्ट करने के लिए भी डायग्नोस्टिक पर्पस से हम मेनली इसे यूज करते हैं एनजी ट्यूब को। नंबर फोर पर्पस क्या होता है दोस्तों, टू गिव द गैस्ट्रिक लावाज टू इरिगेट टू द स्टोमक इन केस ऑफ द एक्टिव ब्लीडिंग और पॉइजनिंग। दोस्तों यदि अगर स्टोमक के अंदर ब्लीडिंग हो रहा हो या फिर कोई पेशेंट अगर पॉइजन कंज्यूम कर जाता है या फिर पॉइजन ईट कर जाता है, तो पॉइजन या फिर ब्लीडिंग, एक्टिव ब्लीडिंग या पॉइजन के केस में ये जो फ्लूइड्स हैं ये स्टोमक को इरिटेट करते हैं और इनको रिमूव करना काफी नेसेसरी हो जाता है। तो स्टोमक में से इन कंडीशंस में इन फ्लूइड्स को बाहर रिमूव करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, लावाज करना। क्या करना, लावाज करना, लेना, लावाज बोले तो लेना, लेना मीन्स स्टोमक से बाहर निकालना, रिमूव करना। तो किसे, या तो एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा हो तो जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है वो इन्फेक्टेड ब्लड कहीं स्टोमक के अंदर ना भरा रह जाए, या फिर किसी ने पॉइजन ईट कर लिया हो तो उस केस में भी हमें इमरजेंसी में पेशेंट को लावाज करना होता है, इन फ्लूइड्स को रिमूव करना होता है और इस प्रोसीजर को गैस्ट्रिक लावाज कहते हैं। और तो लावाज करने के पर्पस से भी हम एनजी ट्यूब इंसर्शन करेंगे। तो वो सारी कंडीशंस हम जान रहे हैं धीरे 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 कि कौन कौन से पेशेंट्स ऐसे हमारे पास आएंगे जिनको हमें एनजी ट्यूब लगाना पड़ेगा। तो स्टोमक डिस्टेंशन हो रहा हो तो एनजी ट्यूब लगाना पड़ेगा, पॉइजनिंग का केस हो तो एनजी ट्यूब लगाना होगा, देन यदि अगर एक्टिव ब्लीडिंग है स्टोमक के अंदर तो भी एनजी ट्यूब लगाना होगा, जीआई ट्रैक्ट का प्रेशर मापना हो तो भी एनजी ट्यूब लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्लियर है। या फिर टू ऑब्टेन द स्पेसिमेन गैस्ट्रिक कंटेंट्स फॉर द लेबोरेटरी स्टडी, यदि किसी पर्पस से, जैसे हम जानते हैं कि पेप्टिक अल्सर अगर किसी पेशेंट को है, साहब क्या है पेप्टिक अल्सर, तो पेप्टिक अल्सर के लिए हमें एच पाइलोराई डिटेक्ट करना है। क्या डिटेक्ट करना है फ्रेंड्स, एच पाइलोराई। अब एच पाइलोराई डिटेक्ट करना है, साथ के साथ ही अगर एसिडिटी चेक करना है, स्टोमक का पीएच चेक करना है, तो एच पाइलोराई या पीएच को, ऐसे तो एच पाइलोराई को यूरिया ब्रीड टेस्ट से हम डिटेक्ट करते हैं, यूरिया ब्रीड टेस्ट, यूबीटी टेस्ट, ओके यूरिया ब्रीड टेस्ट, बट गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पायरेट करके भी उसमें एच पाइलोराई और स्टोमक का पीएच चेक किया जा सकता है। तो इस पर्पस से भी हमें स्पेसिमेन कलेक्ट करना होगा स्टोमक का, और स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं दोस्तों तो उससे हम विशेष डायग्नोस्टिक कंडीशन पर्पस के लिए भी गैस्ट्रिक ट्यूब जो होती है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इसको यूज करते हैं। फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट पर्पस होता है, फिफ्थ पर्पस आप जान चुके हैं, सिक्स्थ पर्पस जो होता है टू एडमिनिस्टर द मेडिसिन। अगर दोस्तों हमें कोई भी मेडिसिन डायरेक्टली स्टोमक में देना है, डायरेक्टली स्टोमक के अंदर ड्रेन करना है, तो जस्ट वी यूज द एनजी ट्यूब। क्या यूज करेंगे, एनजी ट्यूब को यूज किया जाएगा। फ्रेंड्स टू गिव द गैस्ट्रिक गैवास फीड डायरेक्टली इनटू द स्टोमक, इफ वी नो दैट आवर पेशेंट हैव द इंजरी इन द
ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में यदि अगर पेशेंट को ट्रॉमा या इंजरी हो, ऐसा कोई पेशेंट आ जाए आपके हॉस्पिटल के अंदर जिसको ओरल कैविटी के अंदर ट्रॉमा होगा या फिर इंजरी होगी, तो ऐसे पेशेंट जिनको ओरल कैविटी में ट्रॉमा या इंजरी होती है, वी नीड टू गिव द फूड डायरेक्टली इनटू द स्टोमक। एंड जब स्टोमक के अंदर डायरेक्टली फूड देने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे केस में हम इस फूड को एनजी ट्यूब के माध्यम से ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां से हम टोटल 7 पर्पस जान चुके हैं एनजी ट्यूब के। कुल कितने पर्पस से एनजी ट्यूब इंसर्ट किया जाता है? तो प्रिंट 7 टाइप से, 7 पर्पस से हम एनजी ट्यूब इंसर्शन करते हैं, और ऐसे 7 तरह के पेशेंट्स हमको मिलेंगे हॉस्पिटल के अंदर जिनको एनजी ट्यूब लगा हुआ होगा या फिर हमें लगाना होगा। अंडरस्टैंड गाइस? तो देखिए, मैं बात करता हूँ, सबसे पहला पेशेंट हमारे पास था दोस्तों, जैसे जिसको स्टोमक का गैस या फ्लूड भरा हुआ है, तो उसको डीकम्प्रेशन पर्पस से लगाएंगे। सर्जरी जिसको हुआ है या फिर जिसको ट्रॉमा हुआ है, तो इसको नोसिया मीटिंग रिलीव करने के पर्पस से हम एनजी ट्यूब प्लेस करते हैं। दोस्तों, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रेशर, अमाउंट ऑफ प्रेशर डिटरमाइन, जीआई ट्रैक्ट में प्रेशर डिटरमाइन करने के पर्पस से हम एनजी ट्यूब प्लेस करते हैं। देन हम कह रहे हैं फ्रेंड्स, टू गिव द गैस्ट्रिक लवाज टू इरिगेट द स्टोमक, गैस्ट्रिक लवाज के पर्पस से एनजी ट्यूब प्लेसमेंट किया जाता है। To obtain the specimen and to administer the medication or to give the gastric gauze. So these are 7 purpose behind the placement of the nasogastric tube. समझ चुके हो फ्रेंड्स, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? आइए जानते हैं अब हम लोग कि भाई इसके लिए हमें कौन कौन से आर्टिकल्स की आवश्यकता होती है। तो यदि हम पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्शन करना चाहते हैं, तो एनजी ट्यूब प्लेसमेंट के लिए हमें क्या क्या आर्टिकल आवश्यक होंगे? तो देखिए दोस्तों, अ ट्रे कंटेनिंग, जो हम एनजी ट्यूब ट्रे प्रिपेयर करेंगे, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, याद रखना आप इसे, क्योंकि इस पार्ट से आपको ये प्रैक्टिकल काफी ज्यादा महत्व रखता है। और क्लिनिकल में जब भी आप जाओगे, यानी कि हो सकता है आप स्किल टेस्ट के लिए जाएं या एग्जाम देने जा रहे हो, तो उस समय आपसे ये तो बहुत ही वैल्यूएबल और काफी रूटीन प्रोसीजर है। अस्ट्रेन, तो देखिएगा दोस्तों, काफी पॉपुलर प्रोसीजर है, तो इसके लिए हमें आर्टिकल्स क्या क्या आवश्यक होंगे? और ट्रे कंटेनिंग 2 किडनी ट्रे चाहिए हमें, देन मैकिनटोस चाहिए, टावेल चाहिए, देन कॉटन टिप एप्लीकेटर्स चाहिए, कॉटन टिप एप्लीकेटर्स, सलाइन चाहिए, और लेविंस ट्यूब और राइल्स ट्यूब जिसकी साइज होगी अडल्ट के लिए 8 से 12 फ्रेंच। कितनी दोस्तों? ये आपका वीआईपी क्वेश्चन आ चुका है। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब में यूज की जाने वाली सबसे मोस्ट पॉपुलर ट्यूब कौन सा? लेविन ट्यूब। लेविन ट्यूब का ही दूसरा नाम क्या होता है? राइल्स ट्यूब। तो राइल्स ट्यूब कौन सी एनजी ट्यूब को कहते हैं फ्रेंड्स? लेविन ट्यूब को ही राइल्स ट्यूब कहते हैं, और यूजुअली राइल्स ट्यूब का साइज जो होता है वो होता है 8 से 12 फ्रेंच। 8 से 12 फ्रेंच वाला यूज करते हैं मोस्टली किसके लिए? अडल्ट के लिए। हो गई बात समझ में? बोलो भाई। अरे भाई बोलो ना, तुम लोग शांत हो जाते हो, कैसे हो आप लोग? बोलो यार। ओ मेरे बब्बर शेरों शेरनियों, बोलो ना यार, तुम लोग भी कैसे बैठ जाते हो चुपचाप से, बोल दे रहा करो यार। राइट, ठीक है, बोलो यार, बढ़िया हो आप लोग, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है ना? लाइक कर दो क्लास को, लाइक कर दो भाई, जिसने लाइक नहीं, मुर्गे बन जाओगे, अभी मुर्गे बना दूंगा, सुन लिया करो, आते ही लाइक कर दिया करो, कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए, सुनते नहीं हो क्या? लाइक कर दो फटाफट से, करो लाइक। अच्छा, वुगली ऐप डाउनलोड कर लिया आप सबने? वुगली स्टार बैच में बढ़िया चल रहा है मामला? टेस्ट वगैरह प्रॉपर दे रहे हो? कल का टेस्ट देना, बहुत धासू टेस्ट है वो, बड़ी मेहनत से बनाया है, बहुत मेहनत से, यानी दोस्तों जान लगा दी मैंने कल के टेस्ट को बनाने में, बायोमेडिकल वेस्ट वाला। तो बायोमेडिकल वेस्ट वाला क्लास जिसने नहीं देखा है वो रिवाइज कर लेना कल रात का क्लास, ठीक है? और इसके बाद टेस्ट उसका वुगली ऐप पर आ गया है, वो टेस्ट दे देना, 20 क्वेश्चन है उसके अंदर, पूरे जानदार क्वेश्चन है। बायोमेडिकल वेस्ट, जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ पढ़ने की, जो सिस्टम अपन फॉलो कर रहे हैं ना,
वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड सिस्टम है दोस्तों पढ़ाई कराने का, कि सबसे पहले क्लास, क्लास के बाद फिर उसके नोट्स, नोट्स के बाद फिर उसका टेस्ट। अगर इस स्टेप से, मेरे फॉर्मूले से अगर आपने तैयारी कर ली ना, तो ऐसा माइका लाल कोई एग्जाम नहीं है जो आपको चैलेंज कर दे। आप ऐसे परफेक्ट बब्बर शेर बनोगे। क्लियर है? ये हिना हनी को बताओ, हनी यादव इसको बताओ ऐप क्यों डाउनलोड नहीं हो रही है। ठीक है, 11 ट्यूब चाहिए दोस्तों। तो हम ट्रे के अंदर क्या क्या आर्टिकल्स रखेंगे? किडनी ट्रे रखेंगे, मैकिन टूथ चाहिए, टावल चाहिए, कॉटन टिप एप्लीकेटर चाहिए, सलाइन चाहिए और 11 ट्यूब या राइस ट्यूब चाहिए जिसका साइज होना चाहिए 8 से 12 फ्रेंच। समझ गए फ्रेंड्स? बोलो यार। वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट चाहिए जैसे कि ग्लिसरीन और लिक्विड पैराफिन। अब आपसे जो दूसरा क्वेश्चन किया जाएगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा कि लुब्रिकेंट कौन सा यूज करेंगे, लुब्रिकेंट कौन सा यूज किया जाएगा। तो कौन सा लुब्रिकेंट यूज करोगे? वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पुटअप करूंगा यहां से, वो क्या बनाऊंगा दोस्तों, ध्यान से सुनना, कि दिए गए एग्जाम्पल्स में से कौन सा वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट होता है, वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल बताइए। तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहां से। क्लियर? एडहेसिव प्लास्टर और सीजर चाहिए, एडहेसिव टैप चाहिए और सीजर की आवश्यकता होगी। देन दोस्तों गॉस पीस, नेक्स्ट आर्टिकल व्हाट यू नीड, दैट इज गॉस पीस। एक क्लीन सिरिंज चाहिए और सिरिंज का साइज जो होगा वो 10 से 20 ml का सिरिंज हमें आवश्यक होगा। तो यदि अगर हम एनजी ट्यूब प्लेसमेंट करने जा रहे हैं, एनजी ट्यूब इंसर्शन करने जा रहे हैं, तो फिर हम लोगों को कितने ml की सिरिंज की रखनी चाहिए? 10 to 20 ml सिरिंज रखना होगा। मेजरिंग कप चाहिए और मार्क ड्रिंकिंग कप। एक तो मार्क्ड ड्रिंकिंग कप जिसपे मार्किंग होनी चाहिए और मेजरिंग कप या मार्क ड्रिंकिंग कप। क्लियर है गाइस? बॉवल विद वाटर, एक बॉवल आवश्यक होगा जिसमें पानी भरा होना चाहिए। क्लैंप फॉर द ऑक्लूडिंग द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब ऑक्लूशन के लिए क्लैंप चाहिए। सक्शन एपरेटस की आवश्यकता होगी, ये ऑप्शनल है, ना भी हो तो काम चलेगा। ठीक है, पेन लाइट और फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट जैसे आपके मोबाइल के अंदर होती है, या फिर पेन लाइट। ओके, ऐसी टंग ब्लेड की आवश्यकता होगी और ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास होना चाहिए, टंग ब्लेड होना चाहिए। तो दीज आर द आर्टिकल्स वी नीड्स इन केस ऑफ व्हेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। क्लियर है? बोलो भाई। देन देखो दोस्तों ध्यान रखना, जो आपका वुगली स्टार बैच है, वो बैच ओवरफ्लो ओवरफुल हो चुका है। उसमें 3,000 बच्चे ज्वाइन, 3,000 बच्चों ने वो बैच ज्वाइन कर लिया है, 3,000 बच्चों का वो बैच बन चुका है। अब उसमें आपका एडमिशन नहीं होगा। इसके लिए दूसरा बैच अनाउंस हो चुका है जिसका नाम है वुगली स्टार सेकेंड। तो वुगली स्टार सेकेंड में जो नए बच्चे अब जो ज्वाइन करेंगे, वो वुगली स्टार सेकंड बैच के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वुगली स्टार फर्स्ट जो बैच था, वुगली स्टार बैच, वो फुल हो गया है 3,000 बच्चों से। अब वुगली स्टार सेकंड में आपको एडमिशन मिलेगा यदि अगर आप नए आए हो वुगली ऐप पर। तो देखिएगा, ये दोस्तों है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी ट्यूब होती है। ये होती है दोस्तों 11 ट्यूब, जिसको हम राइंस ट्यूब भी कहते हैं, और इस ट्यूब का नाम है सालेम सम्प नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। ये भी दूसरे टाइप की नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है जिसे हम सालेम सम्प कहते हैं। तो इसमें दो वॉल्व होते हैं दोस्तों, एक होता है एंटी रिफ्लेक्स वॉल्व और एक होता है इसमें लोपेज वॉल्व। याद रखना नाम दोनों के, ये आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर स्किल टेस्ट के अंदर कि इस वॉल्व का नाम बताइए। ये वाला जो वॉल्व आपको दिख रहा है, ये है दोस्तों लोपेज वॉल्व। ठीक है, और इस वाले वॉल्व का नाम बताइए। तो ये वॉल्व क्या कहलाता है? एंटी रिफ्लेक्स वॉल्व। आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन करते हैं जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हो ना, जैसे स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट के अंदर आपको जो ट्यूब दी जाती है, तो ये दोनों ट्यूब्स दी जा सकती है आपको। आपको ये कहा जा सकता है इस ट्यूब का नाम बताइए, क्या काम आती है, कैसे इंसर्ट करते हैं, ये तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको कहना है सर ये 11 ट्यूब है,
राइंस ट्यूब है, ठीक है। ये वाला ट्यूब यदि अगर आपको दिया जाएगा तो आपको कहना है सर ये सालेम सम ट्यूब है, ये भी एक प्रकार की नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है, और ये सालेम सम जो होती है ये डबल ल्यूमेन एनजी ट्यूब है। कैसी? डबल ल्यूमेन ट्यूब। क्लियर है गाइस? इसमें दो वॉल्व होते हैं, एक वॉल्व लॉपेज वॉल्व होता है और एक एंटी रिफ्लेक्स वॉल्व होता है। क्लियर है गाइस? बोलो भाई, समझ गए? तो ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन अब आती है बात प्रोसीजर पे। तो सबसे पहला पार्ट होता है दोस्तों आइडेंटिफाई द पेशेंट। पेशेंट आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्यों करते हैं? हेल्प्स इन द डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट साइज ऑफ द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर द पेशेंट। तो जस्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द पेशेंट बिफोर एनी प्रोसीजर। व्हाई वी नीड टू आइडेंटिफाई द पेशेंट बिफोर एनी प्रोसीजर, व्हाई? तो यहां से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है दोस्तों, because of helps in determining the appropriate size of the NG tube for the patient. Patient के लिए appropriate size determine करने के purpose से ही patient को identify करना काफी आवश्यक होता है। Clear है दोस्तों? Check the physician order. हर procedure में हमेशा की तरह हम यही कहते हैं कि उसके बाद physician order confirm किया जाए for any precaution such as the positioning or movement. Then ascertain the level of consciousness and ability of the follow instruction, ability to follow the instruction. जब भी कभी NG tube insertion करने जा रहे हैं दोस्तों, तो patient का consciousness हमें confirm करना होगा कि patient conscious है या फिर comatose है। यदि अगर comatose है तो उसके लिए different तरीके से हम NG insertion करेंगे, और यदि patient conscious है, आपके instructions को follow कर रहा है, तो फिर उसके लिए डिफरेंट टाइप से एनजी ट्यूब प्लेसमेंट किया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? तो बी केयरफुल अबाउट दैट। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि बिफोर इंसर्शन वी नीड टू एसर्टेन द लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस एंड एबिलिटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अंडरस्टैंड गाइस? व्हाई? अवॉइड द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द फ्लूइड, बिकॉज if you insert the NG tube in the comatose patient, they have the risk for the insertion, the risk for the aspiration of the fluid. Clear? Then ascertain the ability of the patient to maintain the desired position during the insertion. ये भी confirm कर लें कि patient को जो desired position आप provide करेंगे, क्या patient उस position को maintain कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? Why? Because facilitates the insertion of the tube. Now the step number 5, what is the step number 5 when we are just going to insert the nasogastric tube? Arre bhai bolo, I hope you understand na. Then review the patient's medical history, review the patient's medical history for any nasal lesions, bleeding polyps or deviated nasal septum. It is very, very important assessment. Friends, before insertion of the nasogastric tube, first we need to identify the patient, then we need to identify the physician order, then we need to confirm the consciousness level of patient, we need to assess the patient that he able to maintain the desired position when we are doing the procedure. इन सब बातों को assess करने के बाद आपको ये भी assess करना होता है कि patient को कहीं कोई nasal polyp तो नहीं है, क्या उसको nose bleed तो नहीं होता है, क्या उस patient को deviated nasal septum जैसी कोई previous history है। इन सब को कंफर्म करना होगा, देन हम जस्ट वी मूव द नेक्स्ट स्टेप। मे रिक्वायर द चेंज ऑफ द रूट न्यूट्रिशनल सपोर्ट, जैसे ओरोगैस्ट्रिक इंसर्शन। क्लियर है गाइस? देन वॉश योर हैंड वॉश कर लीजिएगा, प्रिवेंट द इंफेक्शन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को आपका प्रोसीजर एक्सप्लेन करिए, then reduces the anxiety and helps the patient to assist in the insertion of the tube. Why?
5 minutes to explain the procedure to the patient when we just want to do something on the patient. Jab bhi hum patient par koi procedure karte hain, so why we need to explain it to the patient? Behind this, our purpose, hamara purpose hota hai, pyare saathiyo, to reduce the anxiety and helps the patient to assist in the insertion of the tube. Aur isse patient hame cooperate karta hai, hame assist karta hai. Then, in the step number 8, place the patient in a high Fowler position. Place the patient in the high Fowler position. So just usually the nasogastric tube is inserted in the high Fowler position. Lekin yadi patient comatose hai, so patient in the semi Fowler position. Bahut hi jyada valuable part hai dosto. Kafi jyada is question ko previous exams mein pooch liya gaya hai. हम आपको जो भी पढ़ाते हैं वो सब हमारे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंसेस के आधार पर हम आपको ये सब पढ़ाते हैं. पिछले कई एग्जाम्स, सैकड़ों एग्जाम्स मैंने देखे हैं और उनको एनालिसिस किया है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं. और हमारी जो एमसीआई की पढ़ाई थी वो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा हाई पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग है, बहुत एक्सीलेंट है. लेकिन हमें ये अब जो फिर भी कुछ बच्चे ऐसे मिलते थे जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से सिलेक्शन से चूक जाया करते थे, अब जो हम वर्क कर रहे हैं, अभी ये जो प्रेजेंट टाइम पे वर्क चल रहा है, ये वर्क वो 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी नहीं छोड़ेगा. यानी अब हम रूट लेवल से स्टूडेंट्स को ग्रो कर रहे हैं, यानी कि उसका बिल्कुल छोटा से छोटा क्वेश्चन भी कभी किसी एग्जाम के अंदर आ जाए और गलत नहीं हो. इसलिए हम अब जो ये काम कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत बारीकी से किया जाने वाला काम है और इससे हम आपको एक एक्सीलेंट, जो बिल्कुल सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्टरी जो नॉलेज था, एक्सीलेंट जो नॉलेज था, जो आपके अंदर होना चाहिए था लेकिन किसी इंस्टीट्यूट में नहीं प्रिपेयर किया जाता था, वो अब सारे क्वेश्चन हम यहां से शॉर्ट आउट कर रहे हैं और एक एक प्रोसीजर को बहुत रूट लेवल से सीखा जा रहा है. छोटा से छोटा क्वेश्चन भी उसका प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो प्यारे साथियों, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट किया जाता है तो उसको हम हाई फाउलर पोजीशन में इंसर्ट करेंगे. लेकिन यदि पेशेंट कॉमेटोज है तो जस्ट सेमी फाउलर पोजीशन में पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट किया जाएगा. और ये क्वेश्चन हमने करीब 10-20 एग्जाम्स के अंदर, प्रीवियस जो हमारे एग्जाम रहे हैं 2018 और 19 के, बार बार ये क्वेश्चन, पोजीशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है. फ्रेंड्स, फैसिलिटेट द इंसर्शन ऑफ द ट्यूब एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन. प्लेस द मैकिनटूस एंड टॉवल अक्रॉस द चेस्ट. पोजीशन दे दिया पेशेंट को आपने, पोजीशन दे दिया है. देखो आपने क्या क्या किया, आपने सब कुछ रिव्यू कर लिया, असेसमेंट कर लिए, एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं. तो एनजी ट्यूब इंसर्ट करने के लिए हमने क्या किया दोस्तों, पेशेंट को असेस कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, पेशेंट के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, किसी विशेष प्रिस्क्रिप्शन को देख लिया, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट कर ली, कहीं उसे नेजल पॉलिप, सेप्टम ऐसा तो कुछ नहीं है. देन उसके बाद फाइनली हैंड वॉश किए, हैंड वॉश करके पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन दिया, हाई फाउलर पोजीशन दिया. हाई फाउलर पोजीशन देने के बाद पेशेंट का जो चेस्ट एरिया है उस पे आपने मैकिनटूस लगा के, मैकिनटूस एंड टॉवल लगा दिया, मैकिनटूस एंड टॉवल अपने प्लेस कर दिया है. प्रिवेंट द सोइलिंग ऑफ द पेशेंट ड्रेस. इससे जो पेशेंट की ड्रेस है वो
सॉइल नहीं होगी. देन अब हम मेजर कर लेते हैं, एनसी ट्यूब मेजर करेंगे, पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट तैयार है कोऑपरेट करने को, आप मेजर कर लेते हैं कि कितनी एनसी ट्यूब उसको इंसर्ट करनी है, राइट. तो नोज टिप से लेकर ईयर पिन्ना, ईयर टिप, देन यहां से लेकर के जेफोइड, स्टर्नम के लोअर वाले जो पार्ट है उसको जेफोइड कहते हैं. ओके दोस्तों, तो टिप ऑफ द नोज टू ईयर लॉब, ईयर लॉब टू जेफोइड, और शॉर्ट में हम कहते हैं फ्रेंड्स नेक्स, नोज टू ईयर, ईयर टू जेफोइड. तो नेसोगैस्ट्रिक मेजरमेंट के लिए शॉर्ट में फॉर्मूला याद रखना, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, नेक्स मेजरमेंट इसके लिए यूज किया जाता है. नेक्स मेजरमेंट बोले तो नोज टू ईयर, ईयर टू जेफोइड. ये देखिएगा इमेज, नोज टू ईयर, ईयर टू, नोज टू ईयर, ईयर टू जेफोइड. जेफोइड इज द इंफीरियर पार्ट ऑफ द स्टर्नम, इंफीरियर पार्ट ऑफ स्टर्नम. क्लियर है दोस्तों? देन आप देख रहे होंगे फॉर ओरोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, यदि अगर किसी पेशेंट को नेजल पॉलिप है, सेप्टम डेविएटेड है या नोज ब्लीड का हिस्ट्री है, तो फिर उसको नेजोफेरिंजियल ट्यूब इंसर्ट नहीं किया जा सकता है. और जब नेजोफेरिंजियल ट्यूब इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर दोस्तों अब हम उसको कौन सी ट्यूब इंसर्ट करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ओरोफेरिंजियल ट्यूब इंसर्ट करेंगे, यानी एनजी ट्यूब को माउथ से इंसर्ट किया जाएगा. और ओरोफेरिंजियल यदि अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इंट्यूबेशन करना चाहते हैं ओजोगैस्ट्रिक, देन द ट्यूब इज मेजर्ड फ्रॉम द टिप लिप ऑफ द लिप टू द टिप ऑफ जेफोइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम. तो फ्रेंड्स फिर हम यहां से लिप से मेजर करेंगे, कहां से? लिप के यहां से मेजर करेंगे, लिप टू ईयर, ईयर टू जेफोइड. तो दैट इज द मेजरमेंट, दिस इज द नोज टू ईयर मेजरमेंट, वेयर एज दिस इज द नोज टू लिप मेजर, मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू द जेफोइड प्रोसेस. क्लियर है गाइस? देन इन द इमेज फर्स्ट मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द ईयर लॉब, फ्रॉम द टिप ऑफ द ईयर लॉब. क्लियर है? तो दोनों इमेजेस को आप अच्छे से लर्न कर लें. स्पेशल नॉट क्या कहता है यहां पर? द मेजर्ड लेंथ अप्रोक्सीमेट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द नोज टू द स्टोमक, डिस्टेंस फ्रॉम द नोज टू द स्टोमक फॉर ड्यूरिनल और जेजुनल प्लेसमेंट एंड एडिशनल 20 से 30 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड. प्यारे साथियों, यदि अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि साहब क्या पूछ रहा हूं कि यार यूजुअली जो एनजी ट्यूब का लेंथ आएगा कहां से कहां तक, एनजी ट्यूब का जो लेंथ आएगा नेक्स्ट फॉर्मूले से, अगर ये ट्यूब हमें ड्यूडेनम या जेजुनम में इंसर्ट करना है, स्टोमक में इंसर्ट ना करके, और यदि हम इस ट्यूब को ड्यूडेनल एरिया तक और जेजुनल एरिया तक प्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो आपको जो नेक्स्ट से, नेक्स्ट से मेजर करके और उसमें, तो देखिए ड्यूडेनल या जेजुनल प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स? नेक्स प्लस 20 से 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा. तो इफ यू वांट टू डू द ड्यूडेनल और जेजुनल प्लेसमेंट ऑफ द एनजी ट्यूब का ड्यूडेनल प्लेसमेंट करना चाहते हो या जेजुनल प्लेसमेंट करना चाहते हो, तो नेक्स मेजर में 20 से 30 सेंटीमीटर हमें एडिशनल ऐड करना होता है, जिससे कि ट्यूब ड्यूडेनल तक या जेजुनम तक इजीली चला जाता है. क्लियर है? बोलो भाई, बात समझ गए क्या? अरे भाई बोलो यार, समझ गए ना? आर यू अंडरस्टैंड ना कि मेजरमेंट इस तरह से मेजर किया जाता है एनजी ट्यूब को. देन इन द नेक्स्ट स्टेप, कट द एडहेसिव टैप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कीप रेडी टू फिक्स द ट्यूब. अब 10 सेंटीमीटर कितनी? 10 सेंटीमीटर एडहेसिव को कट करके और आप साइड में रख लीजिएगा,
ट्यूब प्लेसमेंट करने में आपको आवश्यकता पड़ेगी. पुट द क्लीन ग्लव्स, क्लीन ग्लव्स पहन लीजिएगा. लुब्रिकेट द टिप ऑफ द ट्यूब अबाउट 6 to 8 inch. अब आती है बात नेक्स्ट क्वेश्चन वाली दोस्तों, कि एनजी ट्यूब इंसर्शन यदि हम करने जा रहे हैं पेशेंट को, तो हमें कितना एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब की कितनी लेंथ ल्यूब्रिकेट करनी पड़ती है. ल्यूब्रिकेशन में हम वाटर सोल्यूबल जेली यूज करते हैं, क्योंकि वाटर सोल्यूबल जेली यदि गलती से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी चला जाए अगर एनजी ट्यूब, तो वाटर सोल्यूबल जेली जो होता है, ल्यूब्रिकेंट जो होता है फ्रेंड्स, वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा. इसीलिए हमेशा वी प्रेफर द वाटर सोल्यूबल ल्यूब्रिकेंट. क्लियर है बात, समझ गए ना. अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 6 से 8 inch, कितना 6 to 8 inch वी नीड टू ल्यूब्रिकेट द टिप ऑफ लेविन ट्यूब. लेविन ट्यूब को 6 से 8 inch, टिप से लेकर 6 से 8 inch हमें ल्यूब्रिकेट करना है. कर लिया विद द वाटर सोल्यूबल ल्यूब्रिकेंट यूजिंग अ गोज पीस. हाथ में नहीं लेना है, गोज पीस के अंदर लेना है आपको ल्यूब्रिकेंट. गोज पीस में लेकर के और उसमें ट्यूब को ल्यूब्रिकेट किया जाता है. क्लियर. ल्यूब्रिकेशन रिड्यूस द, क्या पर्पस होता है ल्यूब्रिकेट करने के पीछे, तो ल्यूब्रिकेशन रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द ट्यूब. वाटर सोल्यूबल ल्यूब्रिकेंट इजीली डिसॉल्व इट इज दिस एक्सीडेंटली एंटर इनटू द लंग्स. तो दोनों ही क्वेश्चंस के रैशनल आपको पता होने चाहिए दोस्तों, कि जस्ट पहली बात हमने कहा कि ल्यूब्रिकेशन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी. अरे ल्यूब्रिकेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कहीं एनजी ट्यूब से फ्रिक्शन होगा और म्यूकस मेम्ब्रेन उससे डैमेज ना हो जाए. दूसरी बात, यदि ल्यूब्रिकेशन की आवश्यकता भी हो गई तो सब ठीक है, यहां तक बात सही है, लेकिन आपने फिर ये कंडीशन क्यों लगा दी सर कि वाटर सोल्यूबल ही काम में लेना. वाटर सोल्यूबल इसलिए लेते हैं क्योंकि एक्सीडेंटली गलती से यदि अगर ये एयरवे में चली जाए तो ये वाटर सोल्यूबल जेली इजीली डिसॉल्व हो जाती है. क्लियर है फ्रेंड्स, बोलो यार. नंबर 14 स्टेप, इंसर्ट द ट्यूब थ्रू द लेफ्ट नॉस्टिल टू द बैक ऑफ द थ्रोट. अब जो हमारा नेक्स्ट जो छोटा सा क्वेश्चन होता है वो होता है कि यदि अगर एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो कौन से नॉस्टिल से इंसर्ट किया जाता है फ्रेंड्स. लेफ्ट नॉस्टिल से. किससे? लेफ्ट नॉस्टिल. याद रखना, बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनजी ट्यूब इंसर्शन डन फ्रॉम विच नॉस्टिल, तो लेफ्ट नॉस्टिल. वी प्रेफर द लेफ्ट नॉस्टिल टू द बैक ऑफ द थ्रोट, एमिंग बैक एंड डाउन टुवर्ड्स द ईयर. डाउन टुवर्ड्स द ईयर. क्लियर. देन नेचुरल काउंटर फैसिलिट द पैसेज ऑफ द ट्यूब इंसर्टिंग द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब. तो ये जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, इस प्रश्न को पूछूंगा, ये एक इमेज बेस्ड आएगा. अच्छा, कल का जो टेस्ट हुआ है वो किस किसने अटेम्प्ट कर लिया है प्यारे साथियों, एक बार बताओ मुझे कि कल जो आपका टेस्ट लिया गया था, या टेस्ट आपके बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आप में से शायद कुछ ही बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं. मैं एक बार रिपोर्ट देख लेता हूं आपकी. केवल टीचिंग आपको करवा दिया जाए, टेस्ट की आवश्यकता शायद मुझे लग रहा है कि आपको नहीं है. टाइम से काम नहीं करोगे तो मैं एक्टिविटी बंद कर दूंगा. आप शायद टीचिंग की जरूरत है आपको, टेस्ट वगैरह की जरूरत मुझे लग नहीं रहा कि आपको है. नहीं है ना? देखो, टेस्ट केवल जिन्होंने टेस्ट दिया है मैं बता देता हूँ. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वाला टेस्ट हुआ है कल आपका, और इस टेस्ट में पूजा वर्मा, टोटल 69 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है अभी तक. ओनली 3000 बच्चों में से 69 ने टेस्ट दिया है. क्लियर.
मुझे लगता है पूजा वर्मा ने इसमें फर्स्ट रैंक लेके आई है, और संगीता सेन, अनु धैया, प्रिया, प्रीति, मोनू यादव, चेकू, अंजलि शर्मा, शीला धाकड़, शिल्पेंद्र कौर, प्रहलाद गोयल, नेहा सेन, विक्रम मीणा, दीप्ति पटेल, सुनेना, शिखा, सुलेखा, नरेंद्र जांगिड़, दर्पण शर्मा, सुनीता, पिंकी, प्रीति, छोटू राम, नैन्सी, प्राची एंड छगन लाल, दीपिका, मंजू भाई, सुमन सिंह, दिनेश, सोनिया, मुपेश, मोहम्मद जब्बर, पंटा, मनीषा, सीता, गीता, अंजलि, छोटू लाल, मनप्रीत, विमला, रेखा, चंद्रशेखर, सौमी, दिखू, प्रिया, श्वेता, रितु, विक्रम, प्रकाश, सरोज, खुराम, कविता, राकेश, राजेंद्र, साकेश, बाबूलाल, रुक्साना, आकाश, श्रीशैल एंड जीवा, मोहम्मद जमील, पवन, सुरेंद्र, उर्मिला, मंजू, गिरिराज, सुमन और किरण, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है, राइट? तो दोस्तों अभी तक 3000 में से आप इतने केयरलेस हो कि 3000 में से केवल अभी तक 69 बच्चों ने टेस्ट दिया है। अगर यही स्कोर चला कि टेस्ट वगैरह आप टाइम से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फालतू में मैं लेक्चर करवा रहा हूं आपके, कि आप उन लेक्चर्स को प्रॉपर नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं ये लेक्चर वगैरह भी आपके स्टॉप कर दूंगा, और दोस्तों फिर उसके बाद मैं टेस्ट वगैरह तो स्टॉप कर ही दूंगा, क्योंकि अगर आप देंगे ही नहीं प्रॉपर तो फिर इन टेस्ट वगैरह का क्या यूज है, राइट? क्यों एक्स्ट्रा इतना एफर्ट्स किया जाए कि पहले लेक्चर पढ़ाया जाए, फिर उसके नोट्स लिखने को कहा जाए, और फिर फाइनली आपको मैं बोलूं कि टेस्ट देना है यार, और आप टाइम से ना तो टेस्ट दे रहे हो। यार कंपटीशन क्यों क्रिएट किया आज 3000 बच्चों के बीच में? ये जो कंपटीशन मैंने क्रिएट किया है, ये कंपटीशन आपको सफल बनाएगा दोस्तों। यार 3000 बच्चों में आपको टेस्ट देने का जब मौका मिलेगा ना, तो ये कंपटीशन होगा बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन। इससे पता चलेगी आपकी नॉलेज हकीकत में। तो टेस्ट को टाइम से अटेम्प्ट करो, क्लियर? तो चलिएगा, बात आगे बढ़ता हूं। तो ये वाला इमेज बेस्ड क्वेश्चन आज के टेस्ट में आएगा, ठीक है? बड़े ध्यान से सुना करो, आज के टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे ये मैं अभी यहां पर बता रहा हूं, आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो आज के टेस्ट में आपको ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। पूछेंगे कि इन दिस प्रोसीजर द नर्स इज डूइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर, कौन सा क्लिनिकल प्रोसीजर किया जा रहा है? फ्लेक्स द पेशेंट हेड टुवर्ड द चेस्ट After the tube has passed the nasopharynx, insert करते हुए, जैसे ही ट्यूब nasopharynx वाला एरिया क्रॉस कर जाए दोस्तों और माउथ में दिखने लग जाए, तो पेशेंट को क्या करें, चेस्ट पे उसकी गर्दन को फ्लैक्स कर दें, ऐसे कर दीजिएगा चेस्ट पे, ठीक है? फ्लैक्स द नेक, फ्लैक्स द हेड टूवर्ड्स द चेस्ट, कब? तो मैं यहां से क्वेश्चन पुट अप करूंगा कि व्हेन वी फ्लेक्स द पेशेंट्स हेड टुवर्ड द चेस्ट, ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा मैं। इन द नेसोगैस्ट्रिक इंसर्शन क्लिनिकल प्रोसीजर, व्हेन वी फ्लेक्स द हेड ऑफ द पेशेंट ऑन द चेस्ट टुवर्ड द चेस्ट, तो आपको जवाब देना है कि सर द फ्लेक्शन ऑफ द हेड towards the chest needed when the tube is passed, tube has passed the nasopharynx. Clearly बात समझ गए होंगे आप, ये क्वेश्चन मैं यहां से पुट अप करूंगा, क्लियर? इससे क्या होगा, reduces the risk of the tube entering the trachea. दूसरा जो प्रश्न हम पूछेंगे दोस्तों, वो पूछेंगे कि why, क्या पूछेंगे, why we need to instruct the patient to flex the head towards the chest, why we instruct the patient to do the flexion of the head towards the chest. तो आपसे ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि सर इट दिस एक्टिविटी इन द नेसोगैस्ट्रिक इंसर्शन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द एंटरिंग द ट्यूब इन ट्रेकिया,
अश्लील, या मैं इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके भी आपसे कर सकता हूं कि टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द ट्यूब एंटरिंग इन द ट्रेकिया, ट्रेकिया में ट्यूब की एंट्री ना हो, इसको रिड्यूस करने के लिए वी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट व्हाट, हम पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू डू द फ्लेक्स द हेड टुवर्ड्स द चेस्ट। तो ये जो 15 नंबर वाला जो टास्क है दोस्तों, बड़ा ही यूजफुल टास्क है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से और थ्योरेटिकल एग्जाम पर्पज से और इसके साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम पर्पज से, जैसे कि स्किल टेस्ट। नंबर 16 स्टेप, एनकरेज द पेशेंट टू स्वेलो बाय गिविंग सिप ऑफ द वाटर व्हेन पॉसिबल ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, व्हाट वी नीड टू एनकरेज, encourage the patient to swallow by giving the sip of water when possible. Understand? दोस्तों देखो, एक बात मुझे आप बहुत अच्छे से समझ लो, यहां YouTube पे मैं फॉर्मेलिटी करने नहीं आ रहा हूं। YouTube पे मैंने हजारों यूट्यूबर देखे हैं जो केवल अपनी दुकान या अपने चैनल को चलाने के पर्पज से आते हैं या केवल फॉर्मेलिटी करने आते हैं कि ये वीडियो मेरे लाइक कर दो, मेरे सब्सक्राइब कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। दोस्तों मेरे को आप समझे हो अगर अभी तक, और नहीं समझे हो तो समझ लेना, ऐसा पर्सन मिलना आपको मुश्किल है नर्सिंग प्रोफेशन में। ये मैं खुद कह रहा हूं आज आपको मुंह पे, जो आपके लिए जी जान लगा रहा है। राइट, पहली बात तो आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं मैं, आप जो सॉरी सॉरी बोल रहे हो ना मुझे, इस बात का उत्तर दे रहा हूं मैं आपको YouTube पर पढ़ाने जो आ रहा हूं दोस्तों, मैं कोई फॉर्मेलिटी करने नहीं आ रहा हूं। मैं अपने तन मन धन से, दिल से, एक बैच समझ करके, क्या समझ करके मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे एक ऑफलाइन बैच को पढ़ाता हूं। जितनी ताकत मैं ऑफलाइन बैच पर लगाता हूं मेरी जिंदगी में, मैंने आज तक स्टूडेंट के लिए जो ताकत ऑफलाइन बैच में लगाई है और बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चों को नर्सिंग ऑफिसर बनाया है, आज चैलेंज से कह सकता हूं मेरी टीम के साथ, जो ऑफलाइन के ऊपर मैं जितनी मेहनत करता हूं एमसीआई के बच्चों पर, वो समझ करके आज मैं तुम लोगों पे मेहनत कर रहा हूं। जैसे ऑफलाइन बैच चलाता हूं वैसे मैं दोस्तों आपको चला रहा हूं। शाहरुख खान, शाहरुख जिलानी, थैंक यू डियर, लव यू माय डियर फ्रेंड। जैसे ऑफलाइन बैच पर जितने एफर्ट्स में लगाता हूं ना, उतने एफर्ट आपके ऊपर लगा रहा हूं, ये सोच के कि जैसे एक ऑफलाइन बैच में चला रहा हूं पूरा इस तरह से। तो प्यारे साथियों, एक्टिविटी में यदि अगर आप अगर अभी तक इस क्लास को सीरियस नहीं लेते हैं तो सीरियस लेना शुरू कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं तो बहुत खतरनाक भी हूं, राइट? अगर मैं बंद कर दूंगा ना तो फिर कोई माइका लाल नहीं है जो मुझसे शुरू करवा देगा, ठीक है? तो आप से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे केवल पढ़ाई से मोहब्बत है और पढ़ने वाले से मोहब्बत है, बिना पढ़ने वाले से मुझे मोहब्बत नहीं है। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूं वो रोज का कार्य रोज होना चाहिए और पूरे डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से आपको वर्क करना है। क्लियर है? ये काम करना है दोस्तों। अगर आप वर्क नहीं करोगे तो फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा आपके खिलाफ, मजबूर होकर के, मुझे मजबूर होकर के कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं हुए तो पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई को लेकर मुझे पूरी सीरियसनेस चाहिए। जो एक्टिविटी आपको मिल रहा है वो एक्टिविटी चाहिए अश्विन, कंप्लीट चाहिए। क्योंकि हम जब मेहनत कर सकते हैं ना तो हम उम्मीद भी करेंगे सामने वाले से भी कि वो भी मेहनत करे। आज हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरा ये मत सोचना आपकी केवल पर्पस यूट्यूब पे डिजाइन सेट करना है, डिजाइन सेट करना नहीं है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का एक संकल्प मैंने अपने आप से ले रखा है कि कम से कम, फ्यूचर में करूंगा या नहीं करूंगा वो अलग बात है, लेकिन कम से कम अभी जो भी बच्चे मेरे इस बैच के अंदर पढ़ रहे हैं, अभी देखो 200 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 200 लोग पढ़ रहे हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी ले सकता हूं ये 200 लोगों को सेलेक्ट करवाने की, लेकिन ये 200 लोग पूरी तरह से डेडिकेट रहने चाहिए, पूरी तरह से ईमानदार होने चाहिए।
तो पॉसिबल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो फ्यूचर में ध्यान रखना दोस्तों, और जैसा मैं कहूं उसको आपको फॉलो करना है, उस पूरी एक्टिविटी को ईमानदारी से, डेडिकेशन से, अपने पूरे संकल्प के साथ कार्य को करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आगे बढ़ाता हूं मैं बात को। तो हमने कहा एनकरेज द पेशेंट टू स्वेलो बाय गिविंग सिप ऑफ वाटर व्हेन पॉसिबल। तो पेशेंट को यदि संभव हो तो पानी का कुछ सिप दें पीने के लिए। पानी को स्वेलो करेगा तो ट्यूब स्टोमक में पानी के साथ साथ चली जाएगी। जैसे पानी को निगलेगा तो स्टोमक में जाएगा, तो वाटर को जैसे जैसे स्वेलो करेगा वैसे उसके साथ ही ट्यूब भी आगे जाता जाएगा। तो फैसिलिट द पैसेज ऑफ द ट्यूब स्वेलोविंग क्लोज द एपिग्लॉटिस, और इससे एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है। स्वेलोविंग से क्या बेनिफिट होगा? इट क्लोज द एपिग्लॉटिस ओवर द ट्रेकिया एंड फैसिलिट द पैसेज ऑफ ट्यूब इन टू द ईसोफेगस। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से भी हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। देन एडवांस द ट्यूब 3 to 4 inch each time patient swallow until the desired length has been passed. Then advance 3 to 4 inch tube each time patient swallow until desired length has been passed. दोस्तों यदि मैं अगर एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं कि जब पेशेंट स्वलोविंग कर रहा होता है तो एक बार में, जब आप एक बार इंसर्ट करते हो फिर थोड़ा रुकते हो, तो एक बार में लगभग कितनी ट्यूब इंसर्ट करनी चाहिए? तो एट ए टाइम We need to insert only the 3 to 4 inch. एक टाइम पर 3 से 4 inch ट्यूब इंसर्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। डिजायर्ड लेंथ, जब तक कि डिजायर्ड लेंथ तक ट्यूब पहुंच ना जाए। क्लियर? रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट एंड ट्रॉमा, ट्यूब में बी कॉइल्ड और किंग्ड इन द ओरोफेरिंक्स और ट्रेकिया। एडवांस द नेसोफेरिंग ट्यूब विद ईच स्वेलो इन दिस इमेज। डू नॉट फोर्स द ट्यूब, याद रखना विशेष। When the resistance is met, अगर मान लो कुछ रेजिस्टेंस आ जाए तो ये क्वेश्चन यहां से पुट अप होगा फ्रेंड्स, और पेशेंट स्टार्ट टू कफ, गैग, चोक और बिकम साइनोस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। यदि आप ट्यूब इंसर्ट करते कर रहे हो और ट्यूब इंसर्ट करते 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 यदि पेशेंट को कफिंग आने लगे या गैग रिफ्लेक्सेस आने लगे या फिर पेशेंट साइनोस्ड हो जाए, अस्टीन पेशेंट साइनोस्ड हो जाए, चोकिंग होने लगे, कफिंग होने लगे, गैग रिफ्लेक्सेस आने लगे, या फिर कोई रुकावट ट्यूब में आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए ट्यूब के सामने, तो क्या करना है ऐसी स्थिति में? स्टॉप एडवांसिंग द ट्यूब एंड पुल बैक। तो आप ट्यूब इंसर्ट करना रोक दें और वापिस ट्यूब को बाहर पुल कर लें। Check the position of the tube in the back of the throat with the tongue blade and flashlight. पीछे खींच करके और फिर माउथ को ओपन करके, टंग ब्लेड के माध्यम से, फ्लैशलाइट जला करके और ओरोफेरिंग्स में देखिएगा कि ट्यूब कहां पर है। ओके? बोलो भाई। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, इन द स्ट्रिप 18, इफ देर आर Sinks of distress such as the gasping, coughing, cyanosis, pull back the tube for some length and check if patient distress is relieved. यदि patient को distress हो रहा होने लगे, यदि patient को distress हो, तो देखिएगा sign of distress, कौन कौन से sign of distress? तो यदि दोस्तों यहां से कहें sign of distress पूछे जाएं, तो कौन सा sign है जो distress को indicate करता है? Gasping, coughing, cyanosis. तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है? पुल बैक द ट्यूब सम लेंथ एंड चेक द पेशेंट डिस्ट्रेस इज रिलीव्ड। ट्यूब को वापस से पुल करिएगा और तब तक वापस रीइंसर्ट नहीं करें जब तक कि डिस्ट्रेस रिलीव ना हो जाए। तो दिस इज आल्सो वेरी मोस्ट, इफ इट इज रिलीव्ड रीइंसर्ट आफ्टर फ्यू सेकेंड, इफ पेशेंट डेवलप द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगेन इमीजिएटली रिमूव द ट्यूब। यदि वापस से अगर डिस्ट्रेस होता है तो फिर आप इमीडिएटली ट्यूब को रिमूव कर दीजिएगा। द ट्यूब मे हैव एंटर्ड इनटू द ट्रेकिया। देन परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर टू चेक द राइट प्लेसमेंट। प्लेसमेंट सही है या नहीं है इसे कंफर्म करने के लिए कुछ तरीके होते हैं कि ट्यूब जो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोसीजर का कि ट्यूब सही जगह इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, दैट कैन बी कंफर्म्ड बाय।
aspirate gastric content and check the pH using the litmus paper if available. That is the first method to know the right placement. Then you can also be do the confirmation by place the end of the tube in a bowl of water to check for the continuous air bubbling in the water. Ask the patient to speak or x-ray may be done. So dosto, ye total four methods hote hain, jisse ki hum ask the patient to speak, bubbling, auscultation bhi kar sakte ho aur usse gastric sounds, air push karke gastric sounds bhi sun sakte ho, air sound bhi sun sakte ho. That is the confirmatory method. So which is the confirmatory method to know the insertion of the gastric tube in the patient? So then you will answer x-ray. Patient will not to able if speak if tube is in the trachea or continuous air bubbles indicates the tube is in the respiratory tract. So what assessments, what findings, agla jo question hoga wo hoga dosto, what findings indicate the question, yahan se kya ban sakta hai ki what findings indicate the tube is in the respiratory tract. So ya to continuous air bubbling ho raha ho to tube respiratory tract mein hai, ya fir patient will not able to speak, patient bol nahi pa raha hai to bhi indicate karta hai dosto ki tube kahan par hai, trachea ke andar hai. In sare method se hum confirm karenge ki jo ng insertion humne kiya hai uska right placement hua ya nahi hua. Understand? Then secure the tube with the tap and avoid the pressure on the nares. Ab tape ki madad se hum is tube ko secure kar denge, lekin yaad rakhenge ki nares ke upar, nostrils ke upar pressure nahi lagna chahiye. Kaise karte hain tapping secure karne ke liye? So use a 10 cm ya 4 inch piece of the tape, split at one end, split at one end.